नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 8 मैथमेटिक्स। हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है अ लेडी वेंट टू अ बैंक विद रुपीज 1 लाख। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 500 एंड 1000 करेंसी नोट्स इन रिटर्न। ओके स्टूडेंट्स तो सुनिए ध्यान से, एक लेडी है वो बैंक गई, उसके पास टोटल 1 लाख रुपीज था, ठीक है ना। कितना 1 लाख रुपीज है, 1 लाख रुपीज भाई कैसे भी हो सकता है, मतलब 50 के नोट भी हो सकते हैं उसके पास, 50 रुपीज के भी, 100 के भी हो सकते हैं उसके पास, ठीक है, और उसके पास और भी नोट्स हो सकते हैं, कुछ कॉइन्स हो सकते हैं उसके पास, ठीक है। तो 1 लाख रुपये उसने कैशियर को दे दिया और बोला कि भाई आप हमको ना इसके बदले में 500 रुपीज़ के नोट और 1000 रुपीज़ के नोट्स हमको दे दो, ठीक। तो ध्यान से सुनिए, ये लेडी के पास टोटल रुपीज़ कितना था, टोटल रुपीज़ था 1 लाख, 1 2 3 4 5 0 होंगे ना 1 लाख में, ठीक। तो ये गई कैशियर के पास बैंक में और उसने बोला कि इसके रिटर्न में ये भाई 1 लाख रुपये देगी, तो 1 लाख उसको रिटर्न में मिलेगा। लेकिन जब रिटर्न में मिलेगा तो 500 के नोट्स मिलेंगे और 1000 के नोट्स मिलेंगे, ठीक। शी गॉट्स 175 करेंसी नोट्स इन ऑल। अब ध्यान से सुनिए, टोटल नोट्स कितने, 175 टोटल नोट्स उसको कितने मिले, 175, मतलब टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो है ना वो उसको टोटल 175 मिले। अब इसमें 175 नोट्स में कुछ नोट्स तो 500 रुपीज के होंगे, मैं डायग्राम बना देता हूं तब आपको क्लियर होगा, ठीक। तो ध्यान से चेक करिए, ये देखिए कुछ नोट, ये मैंने नोट बनाया, कुछ नोट्स तो रुपीस 500 के होंगे और कुछ नोट्स होंगे रुपीस 1000 के, ठीक है। अब कितने रुपीस 500 के नोट्स होंगे हमको नहीं पता, कितने रुपीस 1000 के नोट्स होंगे हमको नहीं पता, लेकिन दोनों के नोट्स का अगर नंबर हम सम कर देंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा 175, यानी कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स हमको लिखना चाहिए क्या, टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने दे रखे हैं, 175। ओके स्टूडेंट्स, तो हम एक काम करते हैं इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिए, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि रुपीज 500 के एक्स नोट्स हैं, कितने एक्स नोट्स, कर सकते हैं, यस सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब आप एक बात बताओ बच्चों, अगर रुपीज 500 के एक्स नोट्स हैं और टोटल नोट्स कितने हैं 175 हैं, तो बताओ रुपीज 1000 के कितने नोट्स होंगे। देखिए बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूं, टोटल नोट्स हैं 175, है ना, टोटल कितने हैं 175 नोट्स हैं। अब इस 175 में कुछ नोट्स तो रुपीज 500 के और कुछ नोट्स रुपीज 1000 के, और मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि भाई लेट द आपने क्या किया इस क्वेश्चन में, आपने बोला लेट द नंबर ऑफ रुपीज 500 नोट्स बी एक्स। आपने अज्यूम कर लिया कि रुपीज 500 के कितने नोट्स हैं, एक्स नोट्स हैं। तो भाई सीधी सी बात है, 175 में से एक्स नोट्स तो 500 के, है ना, एक्स नोट्स किसके हैं, रुपीज 500 के, ठीक। तो जो रिमेनिंग नोट्स होंगे, टोटल नोट्स 175 में से एक्स माइनस कर दो तो रिमेनिंग नोट्स बच जाएंगे, तो रिमेनिंग नोट्स होंगे 175 माइनस एक्स। अब 175 माइनस, देखो एक्स नोट्स तो किसके हैं, रुपीज, x नंबर ऑफ नोट्स है रुपीज 500 के, और रिमेनिंग नोट्स कितने हो जाएंगे 175 नोट्स में से x नोट्स 500 के, तो बचे कितने 175 माइनस x नोट्स, तो 170 माइनस x नोट्स जो होंगे वो होंगे किसके, रुपीज 1000 के। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से तो यहां पे हमने लिखा लेट द नंबर ऑफ रुपीज 500 नोट बी x, सो द नंबर ऑफ, सो द नंबर ऑफ रुपीस 1000 नोट्स बी, 1000 रुपीज के नोट कितने होंगे, 175 माइनस एक्स कितने हो जाएंगे, 175 माइनस एक्स, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई, इसको आप डाइजेस्ट कर सकते हो, 500 रुपए के कितने नोट हैं, एक्स नोट, और 1000 रुपए के कितने नोट्स हैं, 1000 रुपीज के कितने नोट्स हैं, 175 माइनस एक्स, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए अगर आपके पास 500 रुपीज का 1 नोट हो, तो 1 × 500 आपके पास जो टोटल करेंसी होगी वो 500 हो जाएगी। अगर आपके पास 500 रुपीज के 2 नोट्स हो, तो 500 रुपीज के 2 नोट्स की वजह से आपके पास टोटल करेंसी कितनी होगी, 2 × 500, यानी कि आपके पास टोटल जो रुपीज होंगे वो 1000 हो जाएंगे, ठीक। इसी तरीके से 500 के अगर 3 नोट्स हैं, तो आपके पास टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आपके पास करेंसी कितनी हो जाएगी, या टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 3 × 500 दैट इज 1500। तो इस तरीके से मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये बताओ, अगर आपके पास 500 के एक्स नोट्स हैं, तो आपके पास टोटल अमाउंट 500 रुपीज के नोट्स के कारण कितना हो जाएगा। भाई देखो ध्यान से, आपने कैशियर को 1 लाख रुपए दिया,
वापस 1 लाख रुपए लोगे, तो उस 1 लाख रुपए में कुछ तो 500 के नोट्स हैं और कुछ हैं 1000 के नोट्स, तो कुछ अमाउंट होगा 500 नोट्स की वजह से और कुछ अमाउंट होगा रुपीज 1000 के नोट की वजह से। ठीक, तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूं क्या कि अगर आपके पास टोटल 175 नोट्स हैं, उसमें से एक्स नोट्स अगर रुपीज 500 के हैं, तो एक्स नोट्स 500 के जो हैं उन एक्स नोट्स की वजह से आपके पास कितना अमाउंट होगा, तो चेक कर लो। अगर 500 का एक नोट है तो 1 × 500, अगर 500 रुपए के दो नोट हैं तो 2 × 500, 500 के थ्री नोट्स हैं तो 3 × 500, तो अगर 500 के एक्स नोट्स हैं तो आपके पास एक्स नोट्स की वजह से कितना अमाउंट होगा, x × 500। ठीक, सो x × 500 कितना आ जाएगा आपके पास, 500x। ओके स्टूडेंट्स, ये रुपीज आ गया। तो ध्यान से सुनिए, कुछ नहीं करना होता आपको, जितने नंबर ऑफ नोट्स होते हैं उसको आप दी गई डिनोमिनेशन से या दी गई करेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, x × 500, तो x × 500, 500x रुपीज टोटल होगा 500 के x नोट्स की वजह से। ठीक, तो हम यहां पर लिखेंगे अमाउंट ड्यू टू एक्स नोट्स, अमाउंट ड्यू टू एक्स नोट्स ऑफ रुपीज़ 500 के एक्स नोट्स की वजह से अमाउंट कितना होगा, ये होगा रुपीज़ 500x। ये मैंने आपको निकाल के दिखाया। ठीक, सिमिलरली बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, मैं अगर आपसे ये पूछता हूँ कि 1000 रुपीज़ का वन नोट है तो 1000 × 1। ठीक, अगर 1000 रुपीज़ के आपके पास टू नोट्स हैं तो 2 × 1000। अगर 1000 रुपीज़ के अगर आपके पास थ्री नोट्स हैं तो 3 × 1000 रुपीज़ हो जाएंगे आपके पास टोटल। तो इसी तरीके से 1000 के आपके पास कितने नोट्स हैं, 175 − x। ठीक, यानी कि रुपीज़ 1000 के जितने भी नोट्स हैं, कितने नोट्स हैं, 175 − x। ठीक, तो नंबर ऑफ नोट्स को रुपीज़ 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये पता चलेगा कि 1000 रुपये के नोट्स की वजह से टोटल अमाउंट कितना है। ठीक, तो 1000 के इतने नोट्स हैं, कितने, इतने। तो हम क्या करेंगे, 175 − x × 1000 करेंगे तो जो कुछ भी आएगा वो अमाउंट आ जाएगा किसके कारण, वो अमाउंट आ जाएगा रुपीज 1000 के 175 − x नोट्स के कारण अमाउंट आ जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लो, 1000 × 175 = 175000 और −1000 × x = 1000x। तो इस तरीके से, तो इतना रुपीज़ हो जाएगा उसके पास, −1000x इतना रुपीज़ हो जाएगा उसके पास किसके कारण, रुपीज़ 1000 के नोट्स के कारण। अब इसी चीज़ को हम स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे अमाउंट ड्यू टू कितने नोट्स हैं 1000 के, 175 − x नोट्स, ड्यू टू 175 − x नोट्स ऑफ रुपीज़ 1000 के इतने नोट्स हैं, इसकी वजह से जो टोटल अमाउंट आया है वो कितना आया है, 1000 × this, सॉल्व करके कितना आया है, रुपीज़ 175 − 1000x। ठीक, ये अमाउंट आया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, इतना अमाउंट तो है 500 रुपए के एक्स नोट्स की वजह से और इतना अमाउंट है 1000 के 175 − x नोट्स की वजह से। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, दिस अमाउंट बाय 500 नोट्स एंड दिस अमाउंट बाय 1000 नोट्स, दोनों को अमाउंट को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल अमाउंट आ जाएगा और टोटल अमाउंट कितना है, ₹1 लाख। भाई उसके पास 1 लाख रुपीज़ हैं तो दो ही तरीके के तो नोट हैं, 500 का नोट होगा या तो 1000 के कुछ नोट्स हैं। ठीक, तो 500 रुपीज़ के नोट्स की वजह से इतना रुपया और 1000 नोट्स की वजह से इतना रुपया, दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल रुपीज आ जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, देखिए 500x हमने क्या किया, हमने ऐड किया रुपीज 500x और प्लस रुपीज 175 000 है ना, −1000x = टोटल रुपीज आ जाएगा, यानी कि = 1 लाख
करेक्ट। तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी, रुपीज़ यहाँ से अगर आप हटा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ये भी रुपीज़ है, ये भी रुपीज़, दोनों को ऐड करोगे तो रुपीज़ कितना आ जाएगा, 1 लाख। ठीक, तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी क्या, 500x प्लस, ये रुपीज़ नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, 500x प्लस, डायरेक्ट आप इक्वेशन बना दीजिए, मीन्स 500x प्लस दिस इज इक्वल टू 1 लाख। तो 500x प्लस 175000 माइनस 1000x इज इक्वल्स टू 1 लाख, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान दें, 500x और माइनस 1000x, ठीक, ये लाइक टर्म्स है, तो 500 के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस है। अब आप लोग ध्यान दें थोड़ा सा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी कि 1000 में से हम 500 माइनस करेंगे लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का। ठीक, तो प्लस माइनस माइनस, 1000 माइनस 500 कितना होता है, 500। सो 1000x माइनस 500, 1000x आ जाएगा, लेकिन इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, ये वाला, तो इसका साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, और प्लस में क्या लिखा है, 175000। ठीक, इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 लाख। ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेप में यहां पर देखिए क्या है, माइनस, देखो यहां 500 आना चाहिए था, है ना, माइनस 5000 नहीं, माइनस 500x आएगा, है ना, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या था इससे पहले वाले स्टेप में, हमारे पास था प्लस 500x था और माइनस का 1000x था, है ना, तो 1000 में से 500 जाएगा तो 500, लेकिन माइनस का 500 आएगा। ठीक, 5000 गलती से मत लिख देना, मैंने गलत कर दिया था, माइनस 500x, सो माइनस 500x और ये प्लस 175000, राइट हैंड साइड इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये राइट हैंड साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5, 1 लाख माइनस 1,75,000। ओके, नाउ अब यहां से हो गया माइनस 500x इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दे बच्चों, 1 लाख एक छोटा नंबर है और 1,75,000 एक बड़ा नंबर है। ठीक, तो 1 लाख कैसा है, इसके आगे कोई साइन नहीं, प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस करना है लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का, यानी कि नेगेटिव। सो माइनस, अब ध्यान दें, 1,75,000 में से 1 लाख माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 75,000। ठीक, आप करके भी देख सकते हो, 1,75,000 में से हम क्या करेंगे, 1 लाख माइनस कर देंगे। ठीक, कितना आ जाएगा, 75,000, वो भी नेगेटिव का, क्योंकि इन दोनों में से ये वाला नंबर बड़ा है तो साइन आएगा माइनस का। ठीक, अब इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 500x इज इक्वल्स टू 75,000। अब 500x का मतलब 500 × x, 500 यहाँ मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड करेगा, सो x इज इक्वल्स टू 75,000 डिवाइडेड बाय 500, ये 0 से 0, 0 से 0 कट गया, और यहाँ से आ गया x इज इक्वल्स टू 750/5, 5 × 5, 5 × 5, 2 जाएगा, है ना, और 5 × 5 = 25 होता है, तो 5 × 5 = 25, और ये वाला 0 एज इट इज, सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 150/1, यानी कि x की वैल्यू 150 आ गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि रुपीज़ 500 के कितने नोट्स हैं, x नोट्स हैं। ठीक, तो यहीं पे मैं आंसर कर रहा हूँ, ये आंसर कर रहा हूँ मैं। ठीक, रुपीज़ 500 के कितने नोट्स हैं, x नोट्स थे, यानी कि 150 नोट्स। ठीक, तो 500 के 150 नोट्स हैं। इसी तरीके से रुपीज़ 1000 के कितने नोट हैं, रुपीज़ 1000 के 175 माइनस x, है ना, तो कितना आ जाएगा, करते हैं, 175 में से x माइनस करेंगे, यानी कि 175 माइनस x, x की वैल्यू कितनी है, 150, तो कितना आएगा, 175 माइनस 150, 25। तो इस तरीके से रुपीज़ 1000 के कितने नोट्स हैं, 25 नोट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका फाइनल आंसर है, रुपीज़ 500 के 150 नोट्स और रुपीज़ 1000 के 25 नोट्स। ओके, नोट कर लीजिए।